हेलो स्टूडेंट्स देखो आज आपका एक टॉपिक है ये आपका ट्वेल्थ क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या है देखिए इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मींस ब्रेक डाउन इट इज द फिनना ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू कॉन्स्टिचुएंट आइंस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलेसिस मतलब आप क्या करेंगे आप एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे कैसे लेते हैं मैं एक इलेक्ट्रोलाइट एक बीकर लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके सोल्यूशन मतलब वाटर में किसी साल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें अब वो जो साल्ट है वो उसमें क्या है कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं टूट जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिस इट इज कैरीड आउट इन एपरेटस का इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये जो अपरेटस है जिसमें आप ये इलेक्ट्रोलिस कर रहे हैं इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कोई भी बीकर लें उसमें आप इलेक्ट्रोलिस जिसमें भी आप कर रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं इसमें क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर विद इलेक्ट्रोलाइट इन द मोल्टन द एक्व स्टेट मोल्टन स्टेट में या एक्व स्टेट में मतलब आप मान लीजिए एन ए सी एल का कर रहे हैं तो एन ए सी एल को आप आ, पहले मेल्ट कर दें ऐसे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तब नहीं पास होगी मगर पहले उसको मोल्टन करें एक्वस फॉर्म मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में या तो आप उसको अगर मेल्ट नहीं करना है तो आप वाटर में डिजॉल्व करके भी उसके इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं फिर हम जैसे कि आप जानते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हैं एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथो एनोड बोल बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड अन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द आइन मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड द आइन्स मूविंग टूवर्ड्स कैथोड आर कार्ल्ड कैटाइंस एंड मूविंग टर्ड्स एनोड आर कार्ड एन अब जैसे इसमें जब बिजली पास होगी क्या होगा ये जो आइन्स होंगे ये अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे जो पॉजिटिव आइन्स होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोड की तरफ और इस तरह से जो नेगेटिव आइंस होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे जो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं उनको बोलते हैं एनाइंस उनपे नेगेटिव चार्ज उन उनपे सॉरी उन जो पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं उनको आप बोलते हैं एनाइंस और जो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं उनको आप बोलते हैं कैटाइंस द आइन्स अंडरको सर्टन चेंजेस ऑन रीचिंग इलेक्ट्रोड जैसे वो आइन्स वहाँ पे पहुंचेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं वो वैसे नहीं रहते किसी में इलेक्ट्रॉन लूज होता है किसी में गेन होता है नेक्स्ट डायग्राम में हम पढ़ेंगे देखिए जिसमें आपको ये बताता हूँ ये जैसे आप एक इलेक्ट्रोलिस सोडियम क्लोराइड की हो रही है सोल्यूशन में वाटर में देखिए जब आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में जो इस सोल्यूशन इसमें क्या है एच टू ओ भी है और एन एस सी एल भी जब एन एस सी एल टूटेगा तो वो बनाएगा एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव और जब वाटर ब्रेकडाउन होगा तो एच पॉजिटिव और नेगेटिव अब इसमें चार आइन्स एन ए पॉजिटिव एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव और एच नेगेटिव चार तरह के आइंस जैसे इसमें से बिजली पास होगी तो एन ए पॉजिटिव और एच पॉजिटिव जो होंगे ये नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे कैथोड की तरफ तो इन दो को आप कैटाइंस बोलेंगे कैथोड की तरफ वो मूव करेगा जो खुद पॉजिटिव हो तो एन ए पॉजिटिव और एच पॉजिटिव यहाँ पे क्या है कैटाइंस अब वहां जाके इसमें क्या चेंज आएगी वहां कौन जाएगा देखिए एन ए पॉजिटिव का साइज बड़ा है एच पॉजिटिव का साइज छोटा है तो इन दोनों में एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा क्योंकि मोबिलिटी एच पॉजिटिव की ज्यादा है इसलिए एच पॉजिटिव ही जाता है किसकी तरफ कैथोड की तरफ सोडियम एन ए पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन में ही रह जाता है एच पॉजिटिव जाता है नेगेटिव की तरफ उसी तरह से ये भी हैं और वहाँ पहुँच के क्या होता है जैसे ही एच पॉजिटिव वहाँ पहुँचेगा क्योंकि एच पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो जा रहा है नेगेटिव की तरफ तो वहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है क्या थोड़ा नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इसको आप प्राइमरी चेंज बोलते हैं जैसे ही वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसकी क्या हो जाएगी रिडक्शन तो दिस इज प्राइमरी चेंज बट ये इस स्टेट में नहीं रहता एच एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा ये एटॉमिक फॉर्म से कंबाइन होकर बना देगा आपका मोलिकुलर फॉर्म H2 गैस बन जाएगी हाइड्रोजन सिमिलरली क्लोरीन और ओ OH एच में क्लोरीन जो है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है और वो मूव करेगा एनोड की तरफ और वहां जाके क्या होगा क्लोरीन क्योंकि सी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको आप प्राइमरी चेंज बोलेंगे सी नेगेटिव से वो कन्वर्ट हो जाएगा सी में उसको प्राइमरी चेंज अब क्लोरीन भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है वो भी मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बनाएगा क्लोरीन गैस इसको आप सेकेंडरी चेंज बोलते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस यही है कि वैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास द इलेक्ट्रोलाइट एंड आइंस आर फॉर्म्ड दे मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स एंड देयर दे undergo first फर्स्ट प्राइमरी चेंज एंड secondary चेंज दिस इज योर electrolysis नाउ कुछ लॉज हैं इसमें फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो लॉज हैं इसमें इलेक्ट्रोलिस कैसे कौन से प्रिंसिपल्स कौन से, से लॉज हैं जो इसको गवर्न करते हैं फेरेडेजीन ने, ने 1833 में ये ला दिए दो ला दिए फर्स्ट ला एंड सेकेंड लॉ क्या है ये फर्स्ट लॉ ये कहता है अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास ऑफ एनी सबस्टेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि देखो यहां पे एच पॉजिटिव यहां जाके हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहां क्लोरीन गैस निकल रही है तो बोलता है कि कितनी रिएक्शन होगी अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितनी रिएक्शन होती है या कितनी कितना सबस्टेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे या कितना लिबरेट होता है जैसे इस केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन लिबरेट वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कितनी पास कर रहे हैं जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना ही हाइड्रोजन गैस और क्लोरिन गैस ज़्यादा लिबरेट होंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ यहाँ पे आप मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं कि अमाउंट कितना सबिस्टेंस का कितना अमाउंट निकलेगा डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे अमाउंट को W से लिखा हुआ है क्वांटिटी को Q से लिखा हुआ है अब इस प्रपोर्शनलिटी को हटा के हमने एक कॉन्स्टेंट लगाया है इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वी वेलेंट इसको बोलते हैं Z। अब ये क्या होता है यहाँ पे Q जो है इट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज और टाइम के लिए तो यहाँ Q जो है इट इज I इंटू टी क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है देखो किसी कंडक्टर में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पास हो रही कितनी क्वांटिटी हो रही है कि एक तो उसमें करंट कितनी है और वो कितने टाइम के लिए उसमें से पास हो रही है इसको आप बोलते हैं क्वांटिटी क्यों टी क्यों तो दिस इज क्वांटिटी यहाँ पे क्यों की जगह पे हमने लगाया हुआ है आई टी तो ये आपका बन गया डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी अब इस जेड को कैसे सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन में देखिए डब्ल्यू इजिकल टू जेड आई टी अगर I को आप एक एम्पियर रखते हैं और T को आप वन सेकेंड रखते हैं तो W आ जाता है आपका Z के बराबर दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विमेंट है क्या है ये Z इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर W क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर डिपॉजिटेड वैन करंट होगी एक एटमो एम्पियर के बराबर और टाइम होगा एक सेकेंड के बराबर तब जाके W होगा जेड के बराबर वैन current of 1 ampere passes through the electrolytic solution for 1 second this is known as electrochemical equivalent so this is first law now second law second law tells that if same amount of electricity is passed through the solution of different electrolytes connected in series the masses of substance deposited at the electrodes is directly proportional to their equivalent weights इसमें अब दो सेल्स दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लेते हैं लेने आपने उसमें एक ही था इसमें दो हैं जैसे यहाँ पे दो सेल्स कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट दो सेल्स लिया और इसमें जो है इनको सीरीज में कनेक्ट किया सीरीज क्या होता है जैसे यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्टेड है जब इस तरह की कंडीशन होगी कि दो इलेक्ट्रोकेमिकल्स दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसमें जब आपने बैटरी पास की इसमें से बिजली पास की तो इनके इलेक्ट्रोड्स पे भी सबस्टेंस डिजा ये डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे कॉपर में भी और सिल्वर में भी कॉपर सल्फेट में कॉपर डिपॉजिट होगा और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर डिपॉजिट होगा उसके इलेक्ट्रोड पे वो कितना होता है वो कितना होता है वो डिपेंड करता है इनके इक्वेलेंट वेट्स पे यही ये कहता है देखो जैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्वेल्ट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्वेट वेट ऑफ कॉपर मतलब कितना कितना अमाउंट डिजोल्व होगा वो डिपेंड करेगा उनके इक्वेलेंट वेट्स कॉपर के और सिल्वर के ये आपका सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलिस का कुछ मैथमेटिकल रिलेशन इन्हीं से रिलेटेड हैं देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यूज एन एहाँ तो पे एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ और एक सोडियम का एटम ने क्या बना दिया एक सोडियम का पॉजिटिव था, उसका एक एटम बना दिया एक इलेक्ट्रॉन ने एक सोडियम का जो आइन था उसको एक सोडियम एटम बना दिया अब इसी तरह से अगर एक, एक मोल लेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक मोल लेंगे उसमें कितना चार्ज होगा यहां पे मैं आपको एक टर्म बता रहे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसका जिसको आप बोलते हैं फेरडे फेरडे ये फेरडे क्या होता है सिंपल से आप याद रखें डेफिनेशन इसकी कि अमाउंट ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विन विद वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है उसको आप बोलते हैं फेरडे एफ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अमाउंट ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकलेगा चार्ज नाइन सिक्स फोर एट सेवन या इसको आप नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो भी बोलते हैं कोलम सिंपल सी बात है मैं ये कि एक मोल आपके पास इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन्स का एक मोल है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कितने सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर कितना चार्ज है उसको आप बोलते हैं फेरेड एफ और वो कितना निकलता है अप्रॉक्सिमेटली हम उसको नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कोलम बोलते हैं डिनोट करते हैं इसको एफ से अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है सिंपल सी है सेड इज इक्वल टू ई बाई एफ ये तीनों जो फेरेडेज के लाभ ही हैं और पीछे जेड क्या है जेड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलेंट जो फर्स्ट ला से आता है इक्विलेंट वेट जो सेकेंड ला से है और एफ जो है वो फेरेडे तो जेड इज इक्वल टू ई बाई एफ इन तीनों के बीच में रिलेशन कि इक्विलेंट वेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलेंट इज इक्वल टू इक्विलेंट वेट डिवाइडेड बाई फेरेडे सो दिस इज द रिलेशनशिप So this is your all about electrolysis and laws of electrolysis.